चलो देखो, प्रॉब्लम सेट 6 चालू है अपना, है ना। पिछले बार हमने क्या देखा था, एक प्रैक्टिस सेट 6.3 जिसमें कंस्ट्रक्शन था अपना दो प्रकार के, एक इन सर्कल और एक सर्कम सर्कल, ठीक है। अब उसके ऊपर एमसीक्यूज क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्रॉब्लम सेट का। क्या बोला है, पहला क्वेश्चन पढ़ो। रेडियस ऑफ सर्कल कितना बोला है, तो सर्कल की बात किया उसने, तो क्या बनाना पड़ेगा, ये बनानी है सर्कल। बना, सर्कल का क्या होता है, सेंटर होता है, ये बन गया सेंटर। अब उसने रेडियस की बात की है, तो रेडियस बना दूँ कितना सेंटीमीटर, बन गया। एंड डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड का क्या बोला है, मतलब उसकी लेंथ बताए क्या, वो कितना दूर है, डिस्टेंस मतलब कितना, कहाँ से बोला है, फ्रॉम दी सेंटर, मतलब ये हो गया सेंटर। अरे कॉर्ड बना दिया मैंने, तो ये जो दूरी है इसकी लेंथ कितना बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, किसकी लेंथ निकालना है, कॉर्ड की, मतलब ये जो बनाया मैंने ए बी की लेंथ निकालना है, किसकी लेंथ निकालना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या बोलता है, हाइपोटेनस कौन है इसमें से, टेन है, तो टेन का स्क्वायर हो जाएगा, और सिक्स के स्क्वायर को उसमें से क्या कर दूंगा, माइनस, सिक्स का स्क्वायर कितना होता है, तो 100 माइनस 36 कितना बचेगा, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ निकली ना 8, हाँ कि ना। और हमको पता है कि कोई भी डिस्टेंस कहाँ से निकल रहा है, तो कॉर्ड को क्या करता है, तो ये 8 है, तो ये भी कितना होगा, और 8 और 8 कितना हो गया, समझा कि नहीं, पक्का। नेक्स्ट क्या है, द पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंस ऑफ, हाँ ट्राइंग, कोई ट्राइंगल है, कोई उसके तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिले, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑप्शन दिया है, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर। अच्छा, इन सर्कल बनाने के लिए किसको बाइसेक करते हैं हम लोग, और उसके इन सर्कल के सेंटर को क्या बोलते हैं, इन सर्कल के सेंटर को क्या बोलते हैं, इन सेंटर। तो आंसर क्या है इसका, कि नहीं है, तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, इन सेंटर, लिखा हुआ भी है तुम्हारे कॉपी में, क्या बोलते उसको, इन सेंटर। द सर्कल विच पासेस थ्रू द, हाँ ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के वर्टेक्स से पास हो उसे कौन सा सर्कल बोलते हैं, सर्कम सर्कल, कौन सा, आए भैया ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्या बोला उसने, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल कितना सेंटीमीटर, तो सर्कल बन गया, अरे बना दे 24 सेंटी। इफ द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर कितना दूर है, 5, रेडियस निकालने के लिए बोला है, मतलब ये निकालने के लिए बोला है, ये 90 डिग्री हो गया, 90 के सामने को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, मतलब हाइपोटेनियस निकालना है, ये इसको क्या है, परपेंडिकुलर, तो उसको क्या करेंगे, बाइसेक, 24 है तो 24 का बाइसेक मतलब क्या करना, आधा, तो आधा कितना होगा 24 का, तो ये 12 हो गया कि नहीं हुआ, 12 का स्क्वायर कितना होता है, और 5 का स्क्वायर, दोनों को प्लस कर दो कितना हो जाएगा, 169, और 169 किसका स्क्वायर है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 13। नेक्स्ट क्या है, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 2.9, बता लॉन्गेस्ट कॉर्ड कितना होगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसको बोलते हैं, तो रेडियस कितना है, डायमीटर क्या हो जाएगा, डबल कितना होगा, तो 5.8। नेक्स्ट क्या बोला है, रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर हो इस 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ओपी 4 पॉइंट है, सेव एयर पॉइंट पी इज लाइन, पॉइंट पी का आएंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो सर्कल बना लो, सेंटर वो दिया है, और ओपी क्या है तुम्हारा, रेडियस। अच्छा, अगर ओपी रेडियस है तो पी कहाँ पे आएगा, सर्कल के ऊपर की सर्कल के अंदर, मतलब सर्कल सर्कमफेरेंस के ऊपर आएगा, आखिर ना, मतलब जो भी सेगमेंट की लेंथ कितनी है, 4.2, अगर कोई पॉइंट बोला मैंने आर, क्या बोला, वो सेंटर से कितना दूर है, 4.2, तो आर पॉइंट का आएगा सर्कमफेरेंस के, अगर उससे कम रहेगा तो अंदर आएगा, और ज्यादा रहेगा तो
से वेयर पी पॉइंट लाए, पॉइंट पी का आएगा, रेडियस कितना है, और ओपी मतलब ओ से पी कितना दूर है, रेडियस कितना है, तो रेडियस है, तो रेडियस भैया क्या बोलता है, मैं सेंटर से निकलता हूँ सर्कमफेरेंस को टच करता हूँ। अब उसने बोला है कि पॉइंट ओपी कितना है, तो ये निकला ओ से, ऐसा सीधा गया, ये तो चार हो गया। अब पॉइंट टू बाहर होगा कि अंदर होगा, तो पॉइंट पी कहाँ आएगा, अंदर आएगा कि बाहर आएगा, तो कहाँ आएगा, इन साइड डी सर्कल की आउटसाइड डी सर्कल, ऑप्शन नंबर, समझा कि नहीं, पक्का। नेक्स्ट क्या बोला, द लेंथ ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स व्हिच आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। एक सर्कल दिया है, दो पैरेलल कॉर्ड है ना, जो 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। रेडियस कितना है, 5, रेडियस कितना है, तो ये परपेंडिकुलर ए बी कितना, ये 6 है, कितना है 6, और ये कितना है 8, कितना है, हमको बोला ये जो 6 सेंटीमीटर वाला जो कॉर्ड दिख रहा है वो सेंटर से कितना दूर है, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है कि नहीं, और बोल रहा है ये 8 सेंटीमीटर वाला जो कॉर्ड है वो सेंटर से कितना दूर है, मतलब इसकी लेंथ निकालने का है। फिर से कौन सा थ्योरम, ये 6 सेंटीमीटर तो इतना कितना हो जाएगा, तो ये 3 हो गया, ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस लगाऊंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 में से 16 गए तो कितना बचता है, 9, और 9 किसका स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कित, 3 का 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 में से 3 गए, 25 में से 9 गए तो, सोलह, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, तो ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 प्लस 3 कितना होता है, 5। उसने बोला कि दोनों कॉर्ड एक मेक से कितना दूर है, दोनों कॉर्ड एक मेक से, ये सेंटर से 4 है और सेंटर से कितना है, 5। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। समझा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल इक्विलेटरल ट्रायंगल का, किसका, इक्विलेटर। एक बात याद रखो कि जब भी तुमको बोले कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन सर्कल और सर्कम सर्कल दोनों बनाना है, क्या इन सर्कल और सर्कम सर्कल दोनों बनाना है, जैसे इन सर्कल हमको बनाने का रहा है ना, अगर हमको क्या बनाने का रहा, तो एंगल को बाइसेक करते कि नहीं करते, और सर्कम सर्कल बनाना रहा तो साइड को बाइसेक करते कि नहीं करते, बट अगर ट्रायंगल तुम्हारा कौन सा रहा और उसने बोला कि उसमें इन सर्कल भी बनाओ और, तो अलग अलग नहीं बनाना है, एक ही में बनाना है, अलग अलग नहीं बनाना है, तो या तो तुम इसके सिर्फ साइड बाइसेक करो या फिर एंगल, या तो सिर्फ साइड के परपेंडिकुलर बनाओ या तो एंगल करो, तो तुम क्या करना है इस क्वेश्चन में, सिर्फ दो साइड जो दिख रहे हैं, दो साइड जो दिख रहे हैं उसको बाइसेक कर, उसको परपेंडिकुलर बना देना जैसे सर्कम सर्कल करते हैं, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल जो रहता है उसके एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं एक मेक को, है ना, उसी पॉइंट पे उसके साइड के जो परपेंडिकुलर रहते वो भी उसी पॉइंट पे आके मिलते हैं, मतलब इक्विलेटर ट्रायंगल में इन सेंटर और सर्कम सेंटर एक ही होता है कि नहीं होता है, इन सेंटर किसका सेंटर रहता है, इन सर्कल का, और सर्कम सेंटर किसका सेंटर रहता है, सर्कम सर्कल का, तो इक्विलेटर ट्रायंगल में दोनों पॉइंट क्या रहता है, सेम, तो इसके लिए नहीं हमको दोनों बाइसेक करने की जरूरत, या तो साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे या फिर एंगल को बाइसेक करेंगे, तो मेरी मानो तुम किसको बाइसेक करोगे, साइड का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, आसान रहता है, समझा, करने आता है, ट्रायंगल बन जाएगा, कितना बोला है साइड, डी एस ले लेना, इधर 7.5 ले लेना, है ना, ऐसा रब बना दिया, इधर पी बनाना है, डी से पी भी कितना रहेगा, 7.5, तो डी के ऊपर रखना, 7.5 का आर्क लेना, ऐसा ऊपर मार देना, फिर यहाँ से भी 7.5, और दोनों जहाँ पे मिलेंगे ऐसी लाइन खींच देना, समझा कि नहीं, पक्का। और फिर उसके बाद साइड को क्या करना है, बाइसेक, मोर देन हाफ लेंथ लेके ऐसा 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 ड्रॉ करो, इधर 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 ऐसा ऐसा, अब दोनों जहाँ पे मिले वो हो जाएगा, यहाँ इस जहाँ से ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, ये लेंथ लेके अंदर सर्कल बना देना, और यहाँ से ऐसा जॉइन करना, ये वाला लेंथ लेके बाहर सर्कल बना देना, ठीक है। और क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल टू द रेडियस ऑफ इन सर्कल। अब जब सर्कल बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, तो बड़ा वाला जो सर्कल दिख रहा है उसका रेडियस लेना,
ठीक है, बड़ा वाला सर्कल जो है उसका रेडियस लेना, तो लेना रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल अपॉन रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ इक्वल टू जितना आएगा सर्कम सर्कल का रेडियस ऊपर लिखना, जितना इन सर्कल का आएगा उसको लिखना नीचे। अब कट होता है तो कट करना, नहीं हुआ तो आंसर खत्म। समझा? चार मार्क का क्वेश्चन है। कितने मार्क का क्वेश्चन है? चार मार्क। ठीक है, समझा क्या? पक्का? नेक्स्ट क्या बोला है? कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एनटीएस। एनटी कितना बोला है? एनएस कितना है? 7.5। एंड एंगल एनटीएस, सॉरी टीएस, टीएस कितना है? 7.5। तो सबसे पहले बना लेना टीएस। क्या बनाना? टीएस। TS कितना बोला उसने? ये हो गया TS कितना? 7.5। ठीक है, NT बोला है, हाँ कि ना? तो T है, पहले एंगल भी बोला है उसने, देखो यार चेंज हो गया। तो अच्छा ये इसके बाद कितने क्वेश्चन है? बस चार ही है ना? ठीक है, बुक दे दो एक मेरे को, तुम कहाँ से देखोगे? क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन थ्री क्या बोला उसने? एनटी दिया है, कितना दिया है? 5.7 सेंटीमीटर। टीएस दिया है, कितना दिया है? 7.5 सेंटीमीटर। और एंगल एन टी एस दिया है, कितना दिया है? 110। निकालो कॉपी और सॉल्व करो मेरे साथ वाला क्वेश्चन। हो गया, टीएस बनाओ पहले। टीएस कितना बोला है? हाँ बनाओ नीचे 7.5 पट से। बनाए ये ढक्कन, लाइन के ऊपर लाइन कौन खींचता है रे? बनाए, प्रोटेक्टर लो, लिए प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर कंपास, कंपास सॉरी चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा। टी के ऊपर रखो टी। एनटीएस मतलब कौन सा एंगल? एनटीएस मतलब कौन सा एंगल? टी, हाँ। कौन सा? क्योंकि बीच में कौन है टी। तो टी की बात कर रहा था, हम कहाँ पे रखेंगे? कितना बोला है? तो 110 टी के ऊपर रखें, हाँ कि ना? एस से जीरो जहां दिख रहा वहां से गिनना स्टार्ट करो। जीरो अंदर है कि बाहर है? अंदर है। एस के साइड देखो, एस के साइड जीरो अंदर है कि बाहर है? अंदर है, हाँ कि ना? हाँ, तो अंदर वाले में 110 देखो कहा रहा है, बाहर वाले में नहीं, अंदर वाले में 110 कहा रहा है। अरे ऐसा है प्रोटेक्टर, ऐसा इधर जीरो दस लिखा है,
और इधर और फिर बाहर में ऐसा 0, 10, 20, 30 लिखा है। तो हम ये अंदर वाला जो दिख रहा है ना, अंदर वाले में चेक करो कि वहां पे 110 का है, समझा? ऐसा कुछ आएंगी लाइन तुम्हारी ऐसी, इसको दे दिया 110, ठीक है, हाँ कि ना दिया। अब उसने क्या बोला, एंटी, क्या बोला है, टी यहां पे है, हाँ कि ना, तो टी से एनी की बात कर रहा है, एन से टी की बात कर रहा है, टी से, दोनों का मतलब एक ही होता है, कितना बोला है वो कंपास में स्केल से नापो 5.7। लोला 5.7 फटाफट लिए क्या 5.7? मार देना आर्क, मार दो 5.7 लेके टी से ऐसा आर्क मार दो यहाँ पे और लिख दो 5.7 सेंटीमीटर, नाम दे दो एन 5.7, और यहां से स्केल से ऐसी सीधी लाइन लाके इसको ज्वाइन कर दो, बन गया ट्रायंगल तुम्हारा। समझा कि नहीं, पक्का? अब उसने बोला है इसका सर्कम सर्कल भी बनाने का है एंड इन सर्कल भी बनाने का है। क्या बनाने का, सर्कम सर्कल, और तो पहले हम क्या बनाएंगे, सर्कम सर्कल, क्या बनाएंगे, सर्कम सर्कल। तो कंपास यहाँ पे रखो, आधे से ज्यादा लेंथ लो इसकी, आधे से ज्यादा, लिए टी से रख के एस के साइड आर्क मारो, एस से रख के टी के साइड आर्क मारो वो लेके, फिर उसके बाद क्या लेते, दोनों के बीच का क्या लेते, लो डिस्टेंस पट से दोनों की, दोनों आर्क की लेंथ चेक करो कितना दूर है एक मेक से, लिए फिर एक से रख के ऐसा ऊपर नीचे, ऐसा नीचे, फिर यहां से रख के ऊपर और नीचे, और ऐसा एक लाइन खींच दो ऐसा परपेंडिकुलर, नाम दे दो पॉइंट का एम, ऐसा लंबा लेना है, दूर तक लेना क्योंकि पता नहीं कहाँ पे मिलेंगे दोनों, ये खींचो लाइन, खींचो पट से, ये ढक्कन अभी तक तेरा हुआ नहीं रे, हुआ एक साइड का। अब ये एंटी की तरफ आओ, एंटी में भी लो आधे से ज्यादा, एंटी दिख रहा है, एंटी, एंटी में भी लो आधे से ज्यादा, एंटी आधे से ज्यादा लेके आर्क इधर आर्क उधर मारो, वो छोटी इसी लाइन के ऊपर मारना है, हाँ आप टी एन के तरफ से मारो, दोनों का डिस्टेंस लो, ये मारो ना दोनों का डिस्टेंस लेके ऐसा आर्क इधर आर्क इधर आर्क उधर, तुमको ये दिक्कत होती है कि पता नहीं चलती कि आर्क किधर मारना है, ये साइड है तो ऑफकोर्स ऐसा आएगा, ये साइड है तो ऐसा आएगा, नीचे का साइड है तो ऊपर नीचे आएगा, खत्म, कॉमन सेंस लगाओ। दोनों लाइन टच कराओ ना, कहीं पे मिलेंगी ना जाके, मेन वही तो है, दोनों लाइन जहां पे मिलना चाहिए वो पॉइंट होना हमको। एक खिड़की ओपन करो यार, कौन है रे, कहो भाई, खिड़की ओपन करो छोटी पीछे का,
ए भाई सुबह सुबह ना पता है क्या, आना है तो बरोबर आए करो, पूरा रूम खराब कर देते, नाक के बाल जल रहे। हो गया, दोनों एक पॉइंट पे मिले, उस पॉइंट को नाम दे दो सी। दिए, सी से लेके ये जो टी दिख रहा है, एक ऐसी सीधी लाइन खींचो स्केल से, सीधी लाइन टी के ऊपर, सी से लेके टी के ऊपर। सी ये पॉइंट दोनों जहां पे मिले हैं, हाँ जो भी है खींचे, क्या डैट डैश खींचना था, डैट डैश खींचे ना, हाँ सीधी भी खींच दे तो कोई दिक्कत नहीं रहती उसमें, सही रहता वो भी। ठीक है, अब सी के ऊपर रखो कंपास का निडल, कंपास कंपास, हाँ, और टी तक का डिस्टेंस चेक करो कि सी से टी कितना दूर है, ले लिए हाँ कि ना। अब सी हो गया तुम्हारा सेंटर, सी क्या हो गया, अब चेक करो सी से ऐसा एन के ऊपर कट हो रहा है क्या, टी के ऊपर कट हो रहा है क्या, और एस के ऊपर कट हो रहा है क्या। तीनों जगह कट हो रहा है तो घुमा दो, सर्कल बना दो। हाँ तो नहीं हो रहा तो गलत है, बना सनी गलत हो गया तुम्हारा, छोटी तीनों साइड हुआ। हाँ बस तुम्हारा तो गलत किया है कहीं ना कहीं, समझा कि नहीं। तो ये तुम्हारा कौन सा सर्कल बना, सरकम सर्कल की इन सर्कल, सरकम सर्कल। अब क्या बनाने का है, तो इन सर्कल के लिए क्या बाइसेक करते हैं, एंगल की साइड। अभी क्या बाइसेक किया तूने, तो इन सर्कल के लिए किसको बाइसेक करते हैं, एंगल को, कचरा हो जाएगा। अब यहाँ पे आओ एस के ऊपर, थोड़ा सा 2 से 3 सेंटीमीटर लेना अपने, छोटा ज्यादा बड़ा डिस्टेंस ना लो। हाँ यहाँ रख के दोनों का डिस्टेंस लो और आर्क सामने मारो, हाँ हुआ, दोनों का डिस्टेंस लो ना, ये जो आर्क मारे दोनों का डिस्टेंस लो। लिए, इस पॉइंट से ऐसा आर्क, इस पॉइंट से ऐसा आर्क, और ऐसी लाइन खींच दो बस खत्म, और इसको ऐसा क्रॉस मार दो कि एंगल बाइसेक्ट हो गया। बहुत कचरा होगा, सोच समझ के आर्क मारो हर आर्क, ठीक है, बाद में मेरे को बोलना नहीं भैया ये तो है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है इसका कुछ। ठीक है, एस हो गया, कितने एंगल बाइसेक्ट करना है, दो, एस हो गया ना, अब कौन बचा है, एन, और हमारी इच्छा जिसको चाहे उसके ले सकते हैं। अब टी के ऊपर कर सकता हूँ क्या मैं, नहीं कर भी सकता बट कचरा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टी से ऑलरेडी मैंने लाइन खींच के रखा हुई था कि ना। अब वहां पे करोगे तो बिल्कुल वाहियात दिखेगा, तो खाली कौन दिख रहा हमारे को, एन दिख रहा है ना, तो एन के ऊपर मारो, चलो सेम वैसा जैसे इधर किए थे, और इधर ऐसा दो गोले दे देना, ऐसा ज्यादा लंबा लाइन खींचो, दोनों एक जगह पॉइंट पे टच होना चाहिए। ये वाली लाइन जो बनाए पहले और ये वाली लाइन, दोनों एक जगह आके टच होना चाहिए, ठीक है, साफ सुथरा करो, हाँ बरोबर अच्छा दिखता है अगर साफ करोगे तो। मिले क्या दोनों आके कहीं, हाँ तो ऐसे एरो मार दो ना जहां पे मिले, एक एरो इधर मारो एक ऐसा, और उस पॉइंट को नाम दे दो आए, जहां पे दोनों लाइन मिले उसको नाम दो आए। भी बन गया मुर्तुजा, आई दिए, अरे आई दिए क्या पक्का, अब ये पॉइंट को आए दे दिए, जहां पे आए दिए है वहां पे निडल रखो,
एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, पता है? ऐसा सीधी लाइन खींच के परपेंडिकुलर बनाते हम लोग। तो यहाँ पे ऐसा आर्क देखो, ऐसा आर्क पड़ रहा है क्या इस पॉइंट से नीचे में, वो बेस पे उसके आर्क पड़ रहा है क्या? डिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकते हो तुम लोग? हाँ तो नहीं बची है ना, देखो क्या करो, एक तरीका बता रहा हूँ मैं। हाँ नहीं भी हो रहा तो देखो एक एक तरीका है, ऐसा सीधा पकड़ो, इसके ऊपर रखो, ये सीधा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? और जहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है वहाँ पे ऐसा 90 डिग्री टिक कर दो। लेकिन एक बात, ये जो है ये सीधा होना चाहिए तभी 90 डिग्री बरोबर दिखेंगे, अगर सीधा नहीं दिख रहा तो गलत हो गया तुम्हारा, ठीक है? दिया क्या? अब उसका डिस्टेंस चेक करो, चेक करो इसका डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किया, और चेक करो कि तीनों साइड में ऐसा टच हो रहा है क्या सर्कल बनाने पे अंदर में। हाँ तो गलत हो गया फिर समझा कैसे बनाना था, लेकिन हो गया ना कचरा इसमें, क्योंकि इन सर्कल भी बनाने और सरकम सर्कल भी। मेरी मर्जी में दे भी सकता नहीं भी दे सकता, प्रैक्टिस करके आना है तुम लोगों को, समझा कि नहीं? तो कल मेरे को क्वेश्चन टू और क्वेश्चन थ्री बन के होना चाहिए। अब क्वेश्चन टू भी बता दूं एक बार, क्वेश्चन टू में इतना बड़ा कचरा नहीं है। क्या बोला? ट्रायंगल डीएसपी बनाओ, क्या बनाओ? ट्रायंगल डीएस ले लिया 7.5, लो पट से डीएस 7.5। क्वेश्चन नंबर टू देख लो, डीएस लो 7.5 सेंटीमीटर, लिया डीएस 7.5 सेंटीमीटर, हाँ कंपास में 7.5 सेंटीमीटर लो, कंपास में 7.5 सेंटीमीटर लें, कंपास में चेक करो 7.5 सेंटीमीटर लेंथ, चेक किए? हाँ। अब डी के ऊपर रख, अब बोलेंगे भैया आपको कैसा पता चल रहा कि ऊपर ही मारना है ना? अरे हाँ कि ना, या तो ऊपर मारो या तो नीचे मारो, अगर डी से ऊपर मार रहे तो ऐसे भी कहाँ मारना पड़ेगा, अगर डी से नीचे मार रहे तो ऐसे भी तो हम ऊपर मारेंगे, डी से रख के ऐसा इधर मारो और ऐसे रख के ऐसा इधर मारो। अबे नालायक तेरी शकल उल्टी है तो क्या हर चीज उल्टा बनाएगा तू? बना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही बना। अब दोनों जहाँ पे टच हुए उसको पॉइंट को नाम दे दो पी और ऐसी लाइन खींच दो, इसको भी 7.5 सेंटीमीटर, इसको भी 7.5 सेंटीमीटर, पटापट करो पटापट पकड़े। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, क्या ड्रॉ करना है क्वेश्चन टू में हमको, देखो क्वेश्चन टू में क्या ड्रॉ करने के लिए बोला था, इन सर्कल और दोनों, बट वो ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ क्या है, तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटर। अगर इक्विलेटर ट्रायंगल पे बोला इन सर्कल भी ड्रॉ करो और सर्कम सर्कल भी, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन ऐसा नहीं, साइड को भी बाइसेक करेंगे और इसके पहले क्वेश्चन में दोनों को बाइसेक किए थे, साइड को भी किए थे और अभी दोनों को करने की जरूरत, क्योंकि ट्रायंगल कौन सा है हमारा, इक्विलेटर ट्रायंगल बोलता है अगर मेरे ऊपर इन सर्कल बनाना है या सर्कम सर्कल, इन सर्कल बनाना है तो या तो साइड को बाइसेक करो या तो एंगल को, दोनों में से कोई एक करो भैया, मेरे को ज़्यादा बोझ झेलने का नहीं है, क्योंकि इन सर्कल का जो सेंटर होता है वही सर्कम सर्कल का सेंटर होता है मेरे मेरे लिए, किसके लिए, ऐसा कौन बोल रहा है, इक्विलेट। तो इन सर्कल हम इसको साइड को बाइसेक करेंगे, किसको, क्योंकि साइड वाला आसान है ना, है कि नहीं, ऐसा बड़ी बड़ी लो आर्क मारो घिंचो घिंचो, तो चलो डी के ऊपर रखो आधे से ज़्यादा लेके एस के तरफ, एस के ऊपर रखो आधे से ज़्यादा लेके डी के तरफ, मारो पटापट पटापट। अब एक बात और एक साइड पे वही कर लो, अच्छा ठीक है करते रहो, अब तुम नीचे कैसी आर्क मारोगे छोटी, तुम नीचे वाला ले सकती हो क्या, तो आजू बाजू वाला लो, समझे?
अरे वहां पे आर्क मार के भी तुम नहीं कर सकती ना। मैंने बोला अगर तुम ये साइड का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, हाँ कि ना, तो ऊपर नीचे ऐसा आर्क आएगा, तो तुम तो नीचे आर्क मार ही नहीं सकते क्योंकि जगह। तो तुम क्या करो, ये दोनों को बाइसेक करो, ऐसे आधे से ज्यादा इधर, आधे से ज्यादा इधर। तू करना, जिसको चाहे उसको कर सकता है, तेरे पास जगह ही जगह है। करना नीचे वाले को ही करना, ये जो है ऊपर में, ये क्या सेम दूसरी साइड को भी, एक और साइड को करो वैसा ही। दोनों का डिस्टेंस लो। अरे भैया याद रखो कि कर क्या रहे हैं हम लोग, इतने बार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, याद हो जाना चाहिए हमको। करो भैया, अब ये साइड कर रहे हो तो आर्क ऐसा आना चाहिए, ऐसा। ए क्यों चिल्ला रहे, हुआ? अब दोनों ऐसी लाइन खींचे होंगे तुमने। ऐसी दोनों लाइन खींचे, दोनों जिस पॉइंट पे टच किए उसको दे दो ओ, ठीक है। इसको ऐसा 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 सीधी लाइन खींचो। तुम दूसरी साइड करो ना, ये वाली करो ना वैसी सेम, ये साइड को भी आधे से ज्यादा लेके इधर, इधर से इधर फिर करो। किए कि नहीं? अब ये मान लो से रेडियस चेक करो, ओ से डी कितना दूर है, और ऐसा तीनों जगह टच हो रहा है क्या चेक कर लो, हो रहा है टच? हाँ ठीक है, घुमा दो, हाँ हो जाएगा। ये हमारा कौन सा सर्कल बना, अब ये कौन सा सर्कल बनाना है, इन सर्कल। अच्छा ऐसा परपेंडिकुलर दो ना भैया, ऐसा परपेंडिकुलर दिए क्या तुमने, यहाँ पे एम दो, यहाँ पे एन दो, इसको ऐसा दो डंडी मारो, यहाँ पे ऐसा तीन डंडी मारो। ऐसा परपेंडिकुलर बनाए, पॉइंट का नाम एम दो। किया क्या तुमने, छोटी दो लाइन ड्रॉ हुई, वो नीचे क्या किया तुमने, नीचे क्यों लाइन खींचा, वो नहीं खींचना, आवरण दो कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों जहां पे टच हुए वहां से ऐसा डी के तरफ खींचो एक लाइन, डी के तरफ मत खींचो तुम, पी के तरफ देखो कि पी के तरफ खाली है तुम्हारा, हाँ कि ना, डैड डैश वाली लाइन खींचना। खींचा, अब उसको उसके ऊपर रखो और पी तक की दूरी लो कंपास से, और घुमाओ, सर्कल बनता है क्या, पहले तीनों जगह टच कर, चक तीनों जगह टच हो रहा है क्या चेक करना पहले, ठीक है? लिया, हो रहा है, हाँ घुमाओ सर्कल, घुमा दो। एक राउंड में घूमना चाहिए तुम लोगों का। गलत हो गया, हाँ अरे तुम गलत पकड़ती हो छोटी, वो उसका हैंडल दिया है ना पकड़ने के लिए उसने, हाँ कचरा हो गया बिल्कुल, बनाना था नूडल्स बना दिया घर का मैगी तुमने, सब डाल दो, चावल भी डाल दो। अच्छा कौन कौन मैगी में चावल डाल के बनाता है, अबे मैं ही हूँ क्या ऐसा गधा जो बना के खाता हूँ, सबकी इच्छा रहती भाई, मैं डाल के खाता हूँ मैगी में फ्राई करके। हाँ तो मैं भी वही बोल रहा हूँ। अच्छा भाई मेरे को पता ही नहीं था, मैंने दीवार को मुक्का मारा तो चोट किसको लगेंगी, या दीवार मेरे से टकराए तो चोट किसको लगेंगे? अरे भाई मैगी में भात डालो या भात में, बनाना तो मैगी भात ही है,
दाल में चावल मिला के खाओ या चावल में क्या खा रहा मैं? नहीं गलत, दाल में अगर चावल मिला तो दाल चावल, चावल में अगर दाल मिला है तो चावल दाल, दोनों में फर्क है कि नहीं छोटी? अब जो ऐसा परपेंडिकुलर बनाऊंगा तुम्हारा एक, उसका डिस्टेंस लो और चेक करो अंदर में ऐसा टच कर रहा है क्या तीनों जगह घुमा के। तुम्हारा ऐसा बाजू में बनाऊंगा छोटी, हाँ वहां पे चेक करो ऐसा वाला और तीनों अंदर बन रहा है क्या ट्राइंगल। बन रहा है, शनि का बन गया मतलब सही है, ठीक है तो ऐसा ही बनाने का ये ट्राइंगल को। अब उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व, उसने क्वेश्चन पूछा था कि रेशो निकालना है किसका, सर्कमफेरेंस रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल अपॉन रेडियस ऑफ इन सर्कल, सर्कम सर्कल और इन सर्कल का। तो पहले ये तुमने ओ से डी को ज्वाइन किया है, उसका रेडियस चेक करो कितना आ रहा है, स्केल से चेक करो कितना है, ओ से डी कितना दूर है या ओ से पी कितना दूर है, चेक करो कितना दूर है, हाँ चेक करो फटाफट, फोर है, हाँ तो यहाँ पे लिख दो फोर ऊपर लिखो। और इन सर्कल इसका ये रेडियस चेक करो ये कितना है, ये छोटे वाले का ऐसा जो परपेंडिकुलर बना है उसका चेक करो रेडियस, वो दो आना चाहिए, दो, तो यहाँ पे टू लिख दिया मैंने, अब टू वन सा टू टू सा कितना रेशो आया, टू बाय वन, अगर टू बाय वन आया तो आंसर सही है, टू बाय वन आया तो आंसर, अगर टू बाय वन नहीं आया तो आंसर, क्योंकि अगर कोई ट्रायंगल है इक्विलेटर ट्रायंगल में जो सर्कम सर्कल रहता है और इन सर्कल रहता है, सर्कम सर्कल और तो सर्कम सर्कल का रेडियस अपॉन और इन सर्कल का रेडियस ले रहे हो तो आंसर कितना आएगा, ऐसा बोला है, अगर नहीं आया तो मतलब हमारा आंसर क्या हो गया है, समझा, खत्म, ठीक है बच्चा। सिर्फ कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, कल हो जाएगा अपना चैप्टर, वेडनेसडे को रहेगा टेस्ट इस पे।